वेलकम बैक टू माई शैनल तविंदा टिप्स एंड ट्रिक्स फैमिली। आज मैं बनाने जा रही हूँ पुरानी दिल्ली की मटन कोरमा की रेसिपी, जो करीम रेस्टोरेंट का बहुत फेमस है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो यहाँ मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून, मैंने ब्लैक पेपर ले लिया है, काली मिर्च ले ली है ये, और यहाँ मैंने ले लिया है 8-10 दालचीनी, सिनेमन स्टिक ले लिया है, 8 मेरे कार्डमम है ब्लैक कार्डमम, बड़ी इलायची, 30 मेरे क्लोव्स है लॉन्ग है, और मैंने यहाँ लिया है 3 टेबलस्पून मैंने खड़ा जीरा ले लिया है। इसका ये सब है, इसका हम एक अलग पाउडर बनाएंगे। और इसके बाद से मैंने यहाँ नटमेग ले लिया है, जायफल ले लिया है, इसका हमें अलग पाउडर बनाना है। और यहाँ मैंने लिया है मेस लिया है, और यहाँ पे मैंने 4 फूल ले लिए हैं जावित्री के, 4-5 फूल ले लिए हैं, और यहाँ मेरा 15-20 मेरा छोटी इलायची का पाउडर है। ये दोनों का पाउडर हम एक साथ बनाएंगे। ये दालचीनी का, बड़ी इलायची का, लौंग का, छोटी जीरे का और काली मिर्च का पाउडर हम इसे एक साथ मिक्स करके बनाएंगे। जायफल का पाउडर जो है हम अलग बनाएंगे, और जावित्री का और छोटी इलायची का पाउडर हम इसे अलग बनाएंगे। तो चलिए पहले अपने मसालों को रेडी करते हैं। तो ये मेरा दालचीनी का, जीरे का, काली मिर्च का, लौंग का और दालचीनी का पाउडर है। ये है मेरा नटमेग का पाउडर है, और ये है मेरा जावित्री का और छोटी इलायची का पाउडर है। आप जब भी मटन कोरमा बनाएं तो आप ये मसाले को स्टोर करके रख लें, और उससे उस मसालों में आप डालें, आप अपने मटन कोरमे में डालें, आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं मटन कोरमे का। मटन कोरमे में जाएगा मेरा, मैंने यहाँ 150 ग्राम ले लिया है फ्राइड ऑनियन ले ली है, आप इसे फ्राइड करके डालेंगे, कच्ची प्याज मेरी मटन कोरमे में नहीं जाएगी। तो मैंने यहाँ 150 ग्राम जो है फ्राइड ऑनियन ले ली है, 10 मेरा बादाम है, और 1/2 कप मेरी क्रीम है, और ये तीनों का हम एक अच्छा सा फाइन पेस्ट बनाएंगे। ये मेरा मटन कोरमे में जाएगा। तो चलिए अपने मसाले हम आपको दिखलाते हैं। तो हमारे प्याज, बादाम और क्रीम का पेस्ट हमने ग्राइंड करके हम अलग से रख लेंगे, और उसमें जाएगा मेरा 1 टेबलस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टेबलस्पून मेरा जाएगा गार्लिक पाउडर, 2 टेबलस्पून मेरा जिंजर पाउडर, 1/2 कप मेरा दही जाएगा, 4 टेबलस्पून मेरा जाएगा कोरिएंडर पाउडर, और इसमें जाएंगे मेरे कुछ गरम मसाले जो मैंने रेडी किए थे, नटमेग पाउडर 1/2 टेबलस्पून, जावित्री और जायफल के और छोटी इलायची के पाउडर 1/2 टेबलस्पून, और मैंने यहाँ जो गरम मसाला आपको दिखलाया था वो जाएगा मेरा 1 टेबलस्पून, और इसमें जाएंगे मेरे कुछ खड़े मसाले। तो इसमें मैंने यहाँ 3 बड़ी इलायची ले ली है, 10 मैंने लौंग ले ली है, 10 मैंने छोटी इलायची ले ली है, और 5 मैंने दालचीनी ली है, मेरे खड़े मसाले जाएंगे। तो चलिए अब अपना मटन रेडी करते हैं। मैंने ले लिया है 1 kg मटन ले लिया है, देखिए मेरे बोनलेस हैं, और इसमें ये देखिए मेरे बोनलेस मटन है, तो इस तरह से ये देखिए मेरे हड्डी वाले हैं, तो इस तरह से हम मैंने एक कुकर ले लिया था, तो इसमें ना मेरे वेजिटेबल ऑयल जाएगा, ना मेरा मस्टर्ड ऑयल जाएगा, इसमें जाएगा मेरा 1 कप देसी घी। जो मटन करीम होटल वाले जो होते हैं वो अपने मटन कोरमा को देसी घी में बनाते हैं, तो ये मैंने 1 कप मैंने देसी घी ले लिया है, और इसमें जाएगा मेरा अब 1 kg जो मैंने मटन लिए थे वो इसमें अब मेरा जाएगा। तो इसमें गया मेरा 1 kg मटन, और इसको हम तब तक इसमें तेल में फ्राई करेंगे जब तक ये मेरा मटन जो है वो कलर नहीं छोड़ देता। मेरा जब तक मटन कलर चेंज हो चुके हैं, तो इसमें जाएगा मेरा 2 टेबलस्पून लहसुन का पाउडर, लहसुन पेस्ट, और 2 टेबलस्पून अदरक के पेस्ट, और थोड़ी देर तक हम इसे इस तरह से भून लेंगे, और इसमें जाएगा मेरा 1/2 कप दही,
इसे हम अच्छी तरीके से 5 मिनट तक भून लेंगे इसे हम। तो इसे हम अच्छी तरीके से पहले भून लेंगे। तो ये हमने मैंने 2 मिनट इसे बहुत अच्छी तरीके से भून लिया है और इसमें जाएगा मेरा अब खड़े मसाले। मेरे जाएंगे इलायची, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची, ये सब मेरे खड़े मसाले अब इसमें जाएंगे। और इसके बाद से इसमें जाएगा मेरे सारे गरम मसाले जो हैं इसमें जाएंगे। इसमें जाएंगे मेरे जो मैंने गरम मसाले का पाउडर आपको दिखलाया था बना के, गरम मसाला है, जायफल पाउडर है और छोटी इलायची और जावित्री का पाउडर। तो इसमें हम इसमें डालेंगे और इसमें जाएंगे मेरे वन टेबलस्पून लाल मिर्ची का पाउडर, 1 टेबलस्पून कश्मीरी पाउडर और 4 टेबलस्पून मेरे कोरिएंडर पाउडर। और इसे हम अच्छे तरीके से अब हम इसे भूनेंगे, क्योंकि जब तक हमारे कोरमे अच्छी तरीके से भूनेंगे नहीं तब तक वो टेस्टी नहीं होंगे। तो इसलिए हम पहले अपने कोरमे को खूब अच्छी तरीके से भून लेंगे। 1.5 टेबल स्पून इसमें जाएगा मेरा सॉल्ट। तो मेरा जो मटन है वो अच्छी तरीके से भून चुका है। तो चलिए अब हम इसे पानी डाल के 10 मिनट के लिए हम इसे प्रेशर लगा के रखते हैं। तो यहाँ मेरा गैस में 2 कप पानी, मेरे मटन अच्छी तरीके से भून चुके हैं। मेन प्रोसेस इसका भूनना होता है, तो मेन प्रोसेस पूरा हो चुका है, मेरे मटन को अच्छी तरह से भून चुके हैं। तो चलिए इसको 10 मिनट के लिए हम इसे प्रेशर लगाते हैं। लिड लगा के हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, फिर 10 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे। पूरे हो चुके हैं। अब इसमें जाएगा मेरा बादाम, फ्राइड ऑनियन और क्रीम का पेस्ट। आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल के भी आप इसे इस तरह से इसे आप डाल दें। हमने क्रीम डाल दिया है, ये पेस्ट डाल दिया है। अब इसे हम फिर चला के अब इसे हम 5 मिनट के लिए फिर से हम इसे लिड लगा के हम इसे रख देंगे। तो हमारा 5 मिनट के लिए फिर से हम इसे लिड लगा के इस तरह से रख देंगे। तो यहाँ देखिए 5 मिनट मेरे हो गए हैं। ये देखिए मेरी कितनी थिक इसकी कंसिस्टेंसी है और दानेदार है। तो ये मटन करीम वाले जो इसी तरह से अपने कोरमे को बनाते हैं उनकी थिक, और देखिए कितनी दानेदार मेरी कोरमा है। और इसमें लास्ट में जाएगा मेरा 2 टेबलस्पून मेरा जाएगा 2 टेबलस्पून मेरा जाएगा रोज वाटर और 2 टेबलस्पून मेरा जाएगा केवड़ा वाटर। तो चलिए हम इसे सर्व करते हैं। तो यहाँ देखिए कितनी प्यारी लग रही है मेरी पुरानी दिल्ली स्टाइल मेरी करीम रेस्टोरेंट की मटन कोरमा रेडी है। आप भी इस तरह से प्याज और लेमन डाल के और नान के साथ इसे सर्व करें, पार्टी में बनाएं, आप इसे किसी भी फेस्टिवल में बनाएं, किसी भी ओकेज़न में आप इसे बनाएं खाएं। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि टाइम टाइम से मेरी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।